भैया सब जने अपन चलिए आ जाए अदौरी। तो फ्रेंड्स, सुबह मैं व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, मैं अभी कर रहा हूँ। अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट हो गया है, हालांकि वॉकिंग नहीं हुई आज, वो मैं शाम को प्लान कर रहा हूँ करने का। तो अभी हम आए हैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करके। ये देखिए पनीर खा रहे हैं क्योंकि डाइटिंग एकदम बहुत स्ट्रिक्टली चल रही है। तो हालांकि इसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पनीर खाने में। तो अभी पनीर खा के चलेंगे घर की ओर। तो अभी घर पे आ चुके हैं और अपना प्लान अभी कार्डियो करने का है। ये देखिए पंचिंग बैग रेडी है अपना। तो अभी देखते हैं कितनी देर हो पाता है, क्योंकि सुबह तो ठंडी थी लेकिन अभी काफ़ी तेज़ धूप है, तो देखते हैं कितना पसीना बहा पाते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं हमने रूटीन से बहुत लेट चल रहा हूँ। हालांकि रूटीन नहाने का तो कोई डेली का होता नहीं है, लेकिन आज काफ़ी लेट हो गया है। इस वजह से मेरा लंच भी काफ़ी लेट है, ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं और 1 से 2 के बीच में लंच करना होता है। तो अभी मैं अपना सैलेड खा रहा हूँ, हालांकि सैलेड खाने के 10 मिनट बाद खाना होता है मेन खाना, लेकिन पहले ही खाना पड़ रहा है साथ में ही। तो कंप्लीट करते हैं फिर। फ्रेंड्स, अभी 7:30 बजने वाले हैं शाम के, और आज एक खतरों के खिलाड़ियों वाला काम करने का सोच रहा हूँ। इस रात में वॉकिंग का प्लान बना मेरा, तो मेरे पीछे पीछे उत्कर्ष मेरी स्कूटी लेके आएगा और मैं चल रहा हूँ स्कूटी की रोशनी में पैदल। देखते हैं, हालांकि थोड़ी धूल उड़ रही है और हैवी गाड़ियाँ भी चल रही हैं, तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन चलिए चलते हैं जहाँ तक चल सकते हैं, कोशिश करेंगे घर तक चलें। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, बस घर के पास ही मैं दोबारा स्कूटी ले लिया, क्योंकि मेरे घर के पास वाली जो रोड है थोड़ी टैपर्ड है, मतलब इंक्लाइन सरफेस है, तो वहाँ पे उल्टे साइड से चलना पड़ता है। थोड़ी सी बिजी रोड है रात के समय, तो चलना इस टाइम ठीक नहीं था। तो मैं ऑलमोस्ट 80 मीटर्स बचा हुआ डिस्टेंस, तो मैं उसको स्कूटी से कवर किया। हालाँकि फिर भी मैं 600 मीटर के डिस्टेंस को पैदल कवर किया। तो बस अभी घर पहुँच चुके हैं और चलते हैं अपने आगे को कुछ अपने आगे काम को करने के लिए। भैया सब जने अपन चलिए आ जाए अदौरी बना के वो करने दिया, तो धैर्य रहा। जब जब सीखता है ये सब कह एक दिन आके चलिया तो आगे दिना ठीक बा भैया। तो बुढ़िया कह दीजिए बाबू वो चलिए आ जा, हमारे नाती से गुजर गया का करिए कैसे। तब आयो आईना सब पिछड़े तो आठ दिन रहे तो आठ आईना सब पिछड़े तो बुढ़िया तवा के आज रहे कि परे चूल्हा पर पानी डाले छन न न तब रो कैसे। तब आई से घटवन के एक कई गो गया बड़ा भाई से घटा आते कौन है अरे जौन जौन खाए ना खैले रह भतवा रुटिया कर तब तो कह रहे नहीं और बिना कह यार भैया के सब रोतिया हो बना अरे सर उधर नहीं तो ओकर ओकर नाती मर गल बा तू रोई ना हो जा चलो जा सब जने कुल सिगटेन के ने उतार दे दिले सब चले चलिए हमरे तब चलिए ना कुछने तब इतना गुढ़ा लेके निकल खुटा गार दिल नथिया घरे पर हाँ भैया हो कटना जमा नहा जाते हैं तुम लोग ऐसा बाजे तैयार तुम लोग के खुटवा में बांधे तो जितना देव तो अपन अपन हिस्सा खाया जा आगे बाजे लगवा जा समझने। हाँ 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 वो सलाह दे जो खाए कोई करो हाँ हाँ भैया नहीं सब बांध दे तो सबके बांधते बढ़िया बात और डराए से को बांध दी तो का करी नहीं नहीं बनवा ले जाए सब जने अपने अपने खुटन पर खड़ा हुए ना तब बनाए गए ना तो बनाए गए ना तब खेतना बड़े को लोटिया कपारे पड़ते है बढ़िया निकल तो नदिया तब से बोंगरा निकल लेकर लाठी समय निकला था वो खुटहाई खुटहाई लेकर निकला कहता धर दे नानी खिचड़ी उड़ाई इसका खोपड़ी बढ़िया पर
अब सब के लगन सरिया के मारे एक भुंगरी सब सिकटन के बल्ले कोनो ओहर तोड़ के भागता करो नोच के भागता कुल तो भाग गए ना बड़का बड़वा सिकटा के अच्छी कस के बल्ले रहे उनके पांच भुंगरी मल्ले जे उनका करनी है तो जिला रोज भगना छड़ा मराई पांच भुंगरी में जिला रोज भगना तो चल गया ना जंगल में चल गया ना तो नारे में अपन कहरत रहा नारे में कहरत रहा तो फिर कुहारे को लेके आ जाता है गगरी में से उन्हें कुहारे रहा तो गगरी में से जाता तो वो नारे में कहरत रहा घाव लगा रहा उनके कहरत रहा तो कहता हूँ जी दरवाज़ का कहरला भाई कैसा कहाँ कहरला तोरे बाबू का हाथ गलत है दे सारे ठेकुला अच्छा ठेकुला और दे दे बकरी एक ठेकी का हाथ पाई कर और चर चर वो अपने डेरा पर बकरी बांध दे रहा वो तो खूब दूध पिए लगा बकरी का और गुलाम दूध दूध पिए लगा अपन बड़ी मोटा यार तो अभी अपना सब कुछ कंप्लीट करके बेड पे आ चुके हैं और इस व्लॉग को भी एंड करने का टाइम आ चुका है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।